हम सोचे रहे कि मोदिया सार बहुत बढ़िया काम करे, लेकिन सार ऐसा गद्दारी की है इसने कि सार एक जूता समारी। ऐसे बढ़िया तो हमारे बहन जी सरकार रहा जिसे पहले सोचत रही। मार नाम ज्ञानी बाटे, हम मतलब यही क्षेत्र के है। अच्छा। हम सोचे रहे कहा थी मोदी 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 बहुत मोदी सुने रहे, लेकिन मोदी ससुर ऐसा काम किए हैं ना कि उनका जूता से लेके दौड़ाऊँ मैं, जूता जूता के साथ। योगी ससुर तो कहो दिखावे नहीं कि इलाहाबाद क्षेत्र में पता नहीं कहूँ आए रहें कि नहीं आए रहें। और मोदी जना मोदी है अपन बनारस से माड़ा थे इलाहाबाद से, इलाहाबाद तरफ कहो वही नहीं कि अनुभव था जो था मोदी है। और बाकी कहा थी शिक्षा दिखते ही है, लड़कियाँ इधर उधर टहरा थे, कौन स्कूल के कौन व्यवस्था ही नहीं बाटे। राम मंदिर का निर्माण जो ना खीर जिसे कहा थे ना राजनीति कुत्ता फेंक हड्डी फेंक कुत्ता लड़ाई वाला काम है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई चाहते कौन कौन तरीके चला बनी गवा। अच्छी बात है राम मंदिर बनी गवा, लेकिन मतलब हमार मतलब जो हमार समाज है ऊपर ये कोनो मतलब महत्व ना है। महंगाई और बेरोजगारी जो है उसको किस नज़र से देखते हैं? अरे भैया कहा थी मायावती की सरकार में हम लोग 4 रुपये पौगा चीनी खरीदते रहे, आज 12 रुपये पौगा खरीदते, अब ये समझ लीजिए आप कैसन महंगाई बाटे। दोस्तों नमस्कार, जिस तरह से लगातार हम आपके साथ और आपके पास ओपिनियन पोल ला रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, इसी तरह हंडिया से हम गुजर रहे थे, एक अंबेडकर चौराहा दिखा, हम वहाँ पर दस्तक दे चुके हैं और हम जानेंगे यहाँ पे जनता से कि 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर यहाँ के जनता और युवा लोग भी हैं, इनका मूड क्या है, किस पार्टी को समर्थन करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर, तो आइए जानते हैं। साथी आपका नाम क्या है? विकास कुमार। विकास कुमार, अभी जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, तो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मायावती, अखिलेश, योगी, बहुत सारे। देखिए भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप चैनल चला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार की दुर्दशाएँ चल रही है, युवा लोग इतना त्रस्त हो गए हैं रोजगार और बेरोजगार महंगाई के लेकर, किसी भी मुद्दे पर लेकर बात देखा जाए तो युवा हर इस तरह से पराजित हो जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर एक किसी भी मुद्दे पे आप बात करेंगे तो हम लोगों का क्षति हो रहा है और हम लोगों को शोषण भी हो रहा है। इसलिए युवाओं को मन में एक ठाना है कि इस बार जो होने वाला है 2022 में चुनाव होने वाला है, इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें। अभी लगातार जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें देखिए हमारे लोगों को सीट पे नहीं लिया गया है, उसमें 20,000 हम लोगों को सीट खाली है, लेकिन उसमें घोटाला हुआ है, तो उसके विषय में हमको ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन शिक्षा के नाम पर इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, सब नुकसान हो रहा है। युवा बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद है, सारे चीज़ बंद है, तरह तरह के विडम्बनाएँ हैं उससे गुजर रहे हैं, तो इसलिए मन में ठाने हैं कि 2022 में सरकार उखाड़ के फेंकेंगे बीजेपी को। किसकी सरकार लाएंगे आप? बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाएंगे। अच्छा, अच्छा, उनको बसपा की सरकार, बसपा की सरकार अच्छा, बनाएंगे। क्या बसपा सरकार में शासन अच्छा होता है क्या? जी जी बिल्कुल अच्छा होता है, उनके शासन में शिक्षा से लेकर शिक्षा मंत्री तक का पूरा काम बढ़िया से होता है, समय और नियम के साथ में काम होता है। वर्तमान में सरकार चल रही है उनके कामों से खुश नहीं? नहीं नहीं, उनसे कोई भी युवा संतुष्ट नहीं है, हमारे साथ ही खड़े भी हैं, आप पूछ सकते भी हैं, किसी से भी पूछेंगे तो सब लोग यही बताएंगे कि 2022 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बनाएंगे हम लोग इस सरकार से। तो आपका जो कहना है महंगाई बेरोजगारी को लेकर ये सरकार बदलना चाहते हैं और 2022 में बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी, तो साथ ही आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अरविंद कुमार गौतम है उर्फ टिंकू, और मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि देखें बीजेपी का सरकार आया है, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत दुर्व्यवहार होता है, कहीं भी अगर किसी भी मैटर्स हो जाए या लड़ाई या झगड़े से हो जाता है, थाने में अगर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इतनी महंगाई होती जा रही है, क्योंकि अगर महंगाई में देखा जाए तो डीजल भी बढ़ चुका है, पेट्रोल भी बढ़ चुका है, और राइस का तेल जो सरसों का तेल वो भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो कि इतना बसपा के सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी, और इससे कहीं ज़्यादा बीजेपी की सरकार में महंगाई हो रही है। बसपा की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी और भाजपा की सरकार में है, है। और तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2022 में बसपा की गवर्नमेंट आए। अच्छा, हाँ, क्या जो 2022 में बहन मायावती की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, क्या उनके शासन में अच्छा होता है क्या? हाँ, उनके शासन अच्छा होता है और टाइट भी होता है, उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार भी नहीं हो पाती ना गुंडाई हो पाती है, इसलिए चाहते हैं कि 2022 में बहन कुमारी मायावती बसपा सरकार आना चाहिए।
वहीं जो है समाजवादी पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी है जो चंद्रशेखर की पार्टी है, क्या उसको किस नज़र से देखते हैं आप? हम भी उनको भी बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं कि वो भी अच्छा है, अच्छे रूप से कार्य कर रहे हैं, पर बसरते चाहते हैं कि बसपा की सरकार होना चाहिए, यही कहना चाहूँगा मैं। तो बसपा की सरकार जो है आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ, ये है कि अच्छे, ये 100% भी अच्छा है उसमें, क्योंकि अगर एजुकेशन से लेकर हर एक चीज़ से लेकर कि उतना ज़्यादा वो महंगाई भी नहीं है और शासन के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, इनके सरकार में आप बता रहे हैं महंगाई या बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बीजेपी के सरकार में हद से ज़्यादा महंगाई भी है और बेरोजगार भी है, इतने ज़्यादा युवा हैं कि देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार टहल रहे हैं। इसलिए चाहता हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार में कोई कार्य भी नहीं हो रहा, अगर मैं दिखाना चाहूँगा सो एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एक नाली वो बना हुआ है, कचरा देख लीजिए, ये भी नहीं बन रहा है, कि अगर कम से कम कितनी बार कहा गया है वो कि बन जाए, वो भी नहीं बना है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी जो सड़कों पर गड्ढे हैं वो गड्ढे अभी जो है हटे नहीं हैं और भरे नहीं हैं सरकार में, आपका यही कहना है? यस। अच्छा, तो हम दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव जो होने वाले हैं वो जो है उनकी मंशा क्या है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और महंगाई बेरोजगारी पर भी बात होगी, तो साथ ही आपका परिचय क्या है? हमारा नाम ज्ञानी बाटे। हम मतलब यही क्षेत्र के है। अच्छा, हम सोचे रहे कहा थी मोदी 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 बहुत मोदी सुने रहे, लेकिन मोदी ससुर ऐसा काम किए हैं ना कि उनका जूता से लेके दौड़ाऊँ मैं, जूता जूता के साथ। मोदी और योगी जो है यहाँ पे, जो योगी हैं सरकार सीएम हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। योगी ससुर तो कभी दिखावे नहीं कि इलाहाबाद क्षेत्र में, पता नहीं कभी आए रहन कि नहीं आए रहन। और मोदी जना मोदी है, अपन बनारस से मारा थे इलाहाबाद से, इलाहाबाद तरफ कभी हुए नहीं कि था ये था मोदी। और बाकी कहा थी शिक्षा दिखता ही है, लड़कियाँ इधर उधर ठहरा थे, कौन स्कूल का कौन व्यवस्था ही नहीं बाटे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। राम मंदिर का निर्माण जो ना खीर जिसे कहा थे ना राजनीति कुत्ता फेंक हड्डी फेंक कुत्ता लड़ाई वाला काम है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई चाहते हैं तो कौन तरीके चला बनी गवा, अच्छी बात है राम मंदिर बनी गवा, लेकिन मतलब हमारा मतलब जो हमारा समाज है उसके लिए कोनो मतलब महत्व ना हो। महंगाई और बेरोजगारी जो है उसको किस नज़र से देखते हैं? अरे भैया कहा थी मायावती की सरकार में हम लोगों ने 4 रुपये पौगा चीनी खरीदते रहे, आज 12 रुपये पौगा खरीदते, अब ये समझ लीजिए आप कैसन महंगाई बाटे। वही पेट्रोल डीजल भी जो है भाव से बढ़ा। मायावती की सरकार में हम तो हका बताए, हम 52 रुपये लीटर पेट्रोल चलाए रहे और 44 रुपये लीटर डीजल, अब आज वही समझ ला 100 रुपये लगभग पहुँचाता है, अब ये समझ ला का मतलब का स्थिति है सरकार के। अच्छा, किसान लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, उस पर क्या नज़र है? अच्छा, किसानों की सुनवाई पहले क्या होता था ना कि मतलब जगह जगह पे वो मतलब जो मतलब पशु आवारा पशुओं को इकट्ठा करते थे वो बिल्कुल हो गया ख़त्म, अब आवारा पशु इधर उधर टहल रहे हैं, इसलिए किसान की जितनी फसलें होने सारी बर्बाद बर्बाद होती जा रही हैं, किसान कब होता है कब उसको ख़त्म हो जाता है वो अनाज पाता ही नहीं है, तो मतलब महंगाई महंगाई चाहे वैसे मान लीजिए। किसान जो है साढ़ और गाय से भी बहुत परेशान है, उस पर क्या नज़र है? तो परेशान काहे नहीं होंगे, जितना पहले कांजी हाउस हमारे मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कांजी हाउस, जो पहले कांजी हाउस था वो मतलब उसको ख़त्म कर दिया, तो अब कांजी हाउस में पशु इकट्ठा हो नहीं रहे हैं, सब इधर उधर टहल रहे हैं, तो इसलिए अनाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसान बेचारे वैसे ही परेशान हो जाते हैं। जब मायावती को जो आप वोट देंगे, काम के नाम पे देंगे या जाति के नाम पे देंगे या धर्म के? नहीं, इसमें जाति का तो सवाल ही नहीं पता, इसमें जो मतलब हमारे मतलब हम अच्छा समझते हैं उनको, और क्या कहते हैं उनके शासनकाल में जितने मतलब गुंडा थे या फिर चोर चक्के थे वो बिल्कुल दबे हुए रहते थे, वो निकलते ही नहीं थे बाहर। अच्छा, राजा भैया को लेकर क्या करेंगे आप? राजा भैया जैसे राजा भैया अपने वहाँ प्रतापगढ़ में मतलब बहुत सुने थे उनके, वहाँ भैया वहाँ के राजा भैया अगर वहाँ कुछ कोई बोल नहीं सकता राजा भैया, तो उस राजा भैया तो बहन जिनों क्या कहते हैं मतलब जेल में डाल ही दिया था, तो मतलब आम गुंडों को क्या मतलब। अच्छा, देखा जाए भाजपा जो है लगातार अपने बड़े बड़े बैनरों में 350 सीटों पर दावा कर रहे, क्या कहाँ तक अच्छा? वो बस प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं, बस दिखावा है। और मेरा मुद्दा तो यही है ना, भाजपा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसी में प्रचार में खर्चा करती है अपना बड़ा दिखाने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, जो कि ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। आप दिखाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए सड़क, या सड़क पे आप देखेंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना बुरा हाल हो रखा है जिसका कोई हद नहीं, ना सड़क है ठीक से, ना नाला है ठीक से, और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप शिक्षा के बारे में बोल रहे थे कि हम ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग कितना चल रहा है? तो ऑनलाइन कोचिंग जो है ऊँचे लोग ही पढ़ पाते हैं, गरीब बच्चे। हाँ हाँ, वो तो ऊँचे बच्चे ही पढ़ पाते हैं, नीचे वाले ज़मीनी स्तर पे कहाँ हो रहा है, सब बच्चे घूम रहे थे, कोई कुछ कार्य नहीं हुआ।
तो यही सब देखकर आप जो है मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो मायावती ही ठीक है। अच्छा, क्योंकि नहीं मुख्य जो है लगातार आप लोग बहन मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में कह रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या उनके शासन में अच्छा था? कारण ये है कि वो उनका शासन बहुत अच्छा था। एक्चुअली उनके राज्य में गुंडागर्दी नहीं थी, और जो भी था महंगाई भी बहुत अच्छा था, महंगाई कोई खास नहीं था, और गुंडागर्दी भी अपने निम्न स्तर पर आ गई थी, और किसी का राज नहीं चलता था। आप देखो सब सरेआम गुंडागर्दी चलती है, आजकल देख रहे हैं जातिवाद इतना चरम स्तर पे हो गया है, जहाँ जहाँ देखो वहाँ इधर उधर बस हड्डी फेंके कुत्ता लड़ाने का काम हो रहा है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं। अच्छा, लगातार जिस तरह से देखा जाए कि इस देश में बेरोजगारी, शिक्षा पर प्रहार हो रहा है और चरम सीमा पर है, वहीं हम दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे चुनाव को लेकर, तो आपकी क्या राय है, क्या मंशा है चुनाव को देखते हुए? चुनाव की जो चलती हुई मतगणना देख रहे हैं हम लोगों को, इस समय योगी जी कह मोदी जी कहते हैं एक बार फिर भाजपा सरकार, एक बार आ गई, दूसरी बार बोले एक बार फिर भाजपा सरकार, दूसरी बार आ गई, तीसरी बार बोले एक बार फिर भाजपा सरकार, लगातार बोलते हैं भाजपा सरकार भाजपा सरकार भाजपा सरकार। आगे कर क्या रहे हैं भाजपा सरकार? लाके कुछ कर रहे हैं? लाके कुछ कर तो नहीं रहे हैं। इतना करप्शन चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने बलात्कार हो रहे हैं, लोगों इतना पीड़ित हैं, हाँ इससे घूम रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका शिक्षा का स्तर डाउन हो चुका है, लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शिक्षा का स्तर डाउन हो चुका है जी। जो कोरोना के चलते जो बच्चों को प्रमोट किया गया था जी, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। जो कोरोना के चलते अगर बच्चों को प्रमोट किया, उनका शिक्षा का स्तर बहुत डाउन हो गया पहले, बात यह है। और जो ऑनलाइन क्लासेज जो चलवाते थे, वो अपर लोग क्लास कर पाते थे, जो छोटे कास्ट के लोग हैं वो कोचिंग का क्या कर पाएँ, कैसे को ऑनलाइन कर पाएँ, वो तो घर पे ही नहीं कर पाएँ, बाहर निकल कैसे करेंगे वो लोग, उनके पास कितनी इनकम है, क्या करेंगे, अपना घर देखेंगे कि अपना पेट पालेंगे कि वो कोचिंग करेंगे किसी? तो यही सब देख कर योगी सरकार पर आप कितना नंबर देंगे, 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं तो 0 नंबर दूंगा योगी जी को, मैं 0 नंबर दूंगा योगी जी को। अच्छा, और 101% बहन जी को दूंगा। अच्छा, बहन जी कौन? मायावती जी, मायावती। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है आप बहन जी को मुख्यमंत्री देखें? जी जी जी। अच्छा, मैं बहन जी आने वाले आगामी चुनाव में बहन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, और जो उसका कार्यकाल रहता है बहुत ही सराहनीय रहता है। और क्या लगता है आपको कितने सीटों पर जीत होगी बीएसपी की 350 सीटों पर जीत होगी। अच्छा, हाँ बीएसपी की 350 प्लस जाएगी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा है। कहाँ से हैं आप? जी हम हंडिया से हैं। अच्छा जी, जिस तरह से लगातार आप लोग देख रहे थे हंडिया में अम्बेडकर चौराहा पर, हमें सुनने को मिला और देखने को मिला, यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार आनी चाहिए।